All right, now we are going to discuss intangible assets. देखें हमने tangible non-current asset को पढ़ा. अब अगर आपको tangible non-current asset याद है तो intangible non-current asset आपको बहुत quickly समझ में आ जाएगा. देखिए अगेन सबसे पहले ये हम बात कर रहे हैं कि ये भी non-current asset है. अब अगर non-current asset से पहले हम asset का criteria discuss कर लें तो हमने asset के बारे में कहा था कि asset क्या होता है. एसेट वो रिसोर्स जिस पर आपका कंट्रोल होता है, जिससे आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, यानी इट इज प्रोबेबल दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी, टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल, और जिसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता है. सो कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड. ये था आपके पास एसेट का क्राइटेरिया कि किसी भी रिसोर्स को हम एसेट तब कहेंगे कि जब उस रिसोर्स पर एंटिटी का कंट्रोल है, उसको यूज करके इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को आए और उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता हो. नॉन करंट एसेट के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस में इसको सेल नहीं करते, ये रीसेल के लिए नहीं है बल्कि ये यूज के लिए है और इनकी लाइफ जो है वो मोर देन वन ईयर है. तो एक तो हमने बात की थी यूज के पर्सपेक्टिव से और दूसरी हमने बात की थी लाइफ या बेनिफिट के परस्पेक्टिव से कि उसकी लाइफ या बेनिफिट मोर देन वन ईयर है. ये तो हो गया कि ये नॉन करंट एसेट्स हैं और नॉन करंट एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स हैं और फिर एसेट का क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया कि कंट्रोल, इकोनॉमिक बेनिफिट और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड. अब अगर आप इंटेंजिबल की बात करें कि कौन से एसेट्स इंटेंजिबल होते हैं, तो इंटेंजिबल एसेट का अपना ही क्राइटेरिया है जो कि IAS-38 यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 ने डिफाइन किया है. और IAS-38 क्या कहता है? IAS-38 कहता है कि देखें ये जो एसेट्स हैं ये आइडेंटिफाइएबल हैं, आइडेंटिफाइएबल, दूसरा नॉन मॉनिटरी और तीसरा विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस. तीन फीचर्स जो हैं वो IAS-38 ने डिफाइन किया. IAS-38 ने कहा कि एक तो आइडेंटिफाइएबल है. आइडेंटिफाइएबल का मतलब होता है सेपरेटेबल. सेपरेटेबल का मतलब क्या है कि ये जिस एसेट की आप बात कर रहे हैं इट इज सेपरेटेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस. इट इज सेपरेटेबल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एसेट्स. इसको आप प्रॉपरली बिजनेस के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं, So, इसकी एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल गुडविल. अब गुडविल क्या होता है कि वेन यू बाय अ कंपनी पेइंग मोर देन देयर नेट एसेट्स, दैट इज नोन एज द गुडविल. लेट्स अस्यूम एक बिजनेस के नेट एसेट्स. अब नेट एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज 1 करोड़ रुपए की है. आप उनको खरीदने गए तो उन्होंने कहा जी हम आपको 2 करोड़ में अपना कारोबार बेचेंगे. सो ये जो एक्स्ट्रा वो आपसे चार्ज कर रहे हैं दैट इज द गुडविल. वो जो आप गुडविल उनको पे करेंगे, गुडविल किन चीजों के अगेंस्ट है? बहुत सारी चीजों के अगेंस्ट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल आप बात करें कि उनकी एक रेपुटेशन है मार्केट में, उनकी कस्टमर बेस है, उनकी लोकेशन अच्छी है, बहुत पुराने मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, उनके पास स्किल्ड स्टाफ है. सो ये वो चीजें हैं जिनको उन्होंने एसेट रिकॉर्ड नहीं किया वो अपनी बुक्स में, लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने इसको क्रिएट किया है. वो आपसे चार्ज तो उस चीज के अगेंस्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को स्किल्ड किया. अब वो एम्प्लॉयज उनकी बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर गोइंग टू चार्ज यू फॉर दैट, क्योंकि रीजन इज कि उन्होंने ओवर द टाइम अपने एम्प्लॉयज को एक स्किल और एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया है. सिमिलरली कि उनके पास अपनी कस्टमर बेस है, लॉयल कस्टमर्स हैं उनके पास जो कि उन्हीं के बिजनेस को प्रेफर करते हैं. सो उन्होंने कस्टमर्स को एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज कस्टमर्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन देयर बुक्स, बट स्टिल दे आर गोइंग टू चार्ज यू फॉर दैट क्योंकि उन्होंने ओवर द टाइम अपनी एक कस्टमर बेस क्रिएट की है. So goodwill जो हो गया, goodwill is an intangible asset. Similarly we have the copyrights. जो copyrights हैं ये भी intangible asset है. For example we have the patents. Patents भी copyrights हैं. For example patents भी intangible asset है. For example we have the software. We have the website. We have the brand. ये सब जो हैं ये intangible assets हैं.
सो इनटेंजिबल एसेट का पहला क्राइटेरिया ये है कि वो सेपरेटेबल हो, दैट यू कैन सी देम सेपरेटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बिजनेस, यू कैन प्रॉपरली आइडेंटिफाई देम विद इन द बिजनेस, और यू कैन से कि जिनको आप सेपरेटली सेल भी कर सकते हैं मेनली. ओके, देन वी हैव द नॉन मॉनिटरी. नॉन मॉनिटरी का मतलब ये होता है कि दीज आर नॉट द लिक्विड एसेट, नॉट द लिक्विड एसेट्स. नॉन मॉनिटरी का ये मतलब नहीं होता कि इनकी कोई वैल्यू नहीं है. ब्रांड हैज अ वैल्यू, वेबसाइट हैज अ वैल्यू, सॉफ्टवेयर की वैल्यू होती है, पेटेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद एक्वायर किया जाता है, गुडविल एक अमाउंट आप पे कर रहे हैं, यू नो द वैल्यू, कॉपीराइट एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके जो है वो सिक्योर किए जाते हैं. सो आइडेंटिफाइएबल का मतलब सेपरेटेबल, नॉन मॉनिटरी का मतलब कि ये लिक्विड एसेट्स नहीं है, दीज आर नॉट इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश. मॉनिटरी आइटम्स कौन कौन से होते हैं? सर रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, लोन्स हैं, वो मॉनिटरी आइटम्स होते हैं. नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है नॉन लिक्विड विच आर नॉट इजिली कन्वर्टेबल इन टू कैश. विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस का मतलब ये कि दीज आर नॉट द टेंजिबल एसेट्स लाइक लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग, मशीनरी. ये इनटेंजिबल हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ब्रांड नेम, सो ब्रांड नेम इज जस्ट नेम, इट डज नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस. फिजिकल एग्जिस्टेंस उनकी आउटलेट्स की होती है, उनके ऑफिस की होती है. ब्रांड की इटसेल्फ कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, कंपनी की एग्जिस्टेंस होती है. ब्रांड नेम की वी आर टॉकिंग अबाउट. सिमिलरली वी हैव द वेबसाइट, वेबसाइट डज नॉट हैव द फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो उसका एक वेब पोर्टल होता है बट फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. सो ये तीन बातें हैं कि एक तो आइडेंटिफाइएबल, दूसरा नॉन मॉनिटरी, तीसरा विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस. जब ये तीन बातें मीट हो जाएंगी अलोंग साइड द डेफिनेशन ऑफ द एसेट, तो हम कहेंगे कि दीज आर द इनटेंजिबल एसेट्स. फर्दर आगे चलते हैं और कुछ चीजें बहुत ही सिमिलर हैं आईएस 16 से, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी. जिसमें सबसे पहली चीज आपके पास है इनिशियल मेजरमेंट, एंड देन वी हैव द सबसीक्वेंट मेजरमेंट. सो इनिशियल मेजरमेंट एंड वी हैव द सबसीक्वेंट मेजरमेंट. इनिशियल मेजरमेंट याद रखें, इनिशियल मेजरमेंट होगी कॉस्ट पर. इनिशियल मेजरमेंट होनी है कॉस्ट पर. अब कॉस्ट वही है कंपोनेंट है जो हमने डिस्कस किया हुआ था, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन. वो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वही आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस एनी डायरेक्ट कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट इन द वर्किंग कंडीशन. वो जस्ट लाइक जो हमने आईएस 16 जो है वो डिस्कस किया था, द सेम थिंग. एंड देन वी हैव द सबसीक्वेंट मेजरमेंट, के इनिशियल मेजरमेंट के बाद हम उस इंटेंजिबल एसेट को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे. So we have again, just like IAS 16, two models. We have the cost model. We have the revaluation model. So we have the cost model. We have the revaluation model. Again, just like IAS 16, फिर वही बात मैं करूंगा कि cost model के अंदर क्या था. Cost लेंगे हम asset की. अब सिर्फ एक चीज यहां पर आ जाएगी, डेप्रिसिएशन की जगह नाउ वी आर गोइंग टू टेक अमोर्टाइजेशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन. अगेन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि डेप्रिसिएशन को हमने डिस्कस किया था कि हम एसेट की कॉस्ट को या उसकी डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसके यूजफुल लाइफ पे स्पेंड कर रहे हैं. द सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द अमोर्टाइजेशन, नथिंग डिफरेंट, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि हम एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेटेंट एक्वायर किया 3 साल के लिए, तो फिर आप क्या करेंगे, जो पेटेंट की कॉस्ट है उसको 3 सालों पर स्प्रेड कर दें. अगर कॉपीराइट आपका 2 सालों का है तो आप कॉपीराइट को 2 सालों पर स्प्रेड कर दें. लाइसेंस भी इंटेंजिबल एसेट होता है. अगर आपके पास इंटेंजिबल एसेट लाइसेंस है और उसकी लाइफ 5 साल, यानी 5 साल के लिए लाइसेंस एक्वायर हुआ है, तो आप उसको 5 सालों पे स्ट्रेट अवे स्प्रेड करते हैं. सो ये जो आप कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अमोर्टाइजेशन कहलाएगा. दिस इज सेम एज डेप्रिसिएशन. सो याद रखें कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज डेप्रिसिएशन. जस्ट फर्क ये है कि हम टेंजिबल नॉन करेंट एसेट के लिए डेप्रिसिएशन की टर्म यूज करते हैं और इनटेंजिबल्स के लिए हम जो है वो अमोर्टाइजेशन की टर्म यूज करते हैं. इवन जो मेथड्स हमने डिस्कस किए थे वो भी सेम रहेंगे, वही हमारे पास जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कॉस्ट इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज,
ठीक है, ये कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ, एंड देन वी हैव द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वही चीज है जो कि हमने कहा था कि पहले साल कॉस्ट पर एंड देन फिर जो है वो हमारे पास कैरिंग अमाउंट्स पर जो है वो डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी। ये भी याद रखें कि ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन दोनों ही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होते हैं। सो मैंने क्या क्या बताया था कि लाइफ भी अकाउंटिंग एस्टिमेट है, उसके जो स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये जब आप चूज कर रहे होते हैं कि एसेट आपको स्ट्रेट अवे हर साल सेम बेनिफिट देगा या शुरू के सालों में ज्यादा देगा बाद में कम देगा, इसलिए आप शुरू में ज्यादा डेप्रिशिएट करें बाद में कम करें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू, ये भी आपका जो है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। और जब मैंने ये बताया था कि जो स्क्रैप वैल्यूज हैं ये भी आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये तीनों चीजें जो है ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ही हैं। सो जस्ट आप क्या करेंगे कि कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन वुड बी रिप्लेस्ड बाय द टर्म अमोर्टाइजेशन, रेस्ट रिमेन्स द सेम। फिर हमारे पास है रीवैल्यूएशन मॉडल के। जनरली स्पीकिंग जो ज्यादातर इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो कॉस्ट मॉडल पर कैरी होते हैं, लेकिन देर आर सम सर्टेन टाइप्स ऑफ एसेट्स जिनको हम रीवैल्यूएशन मॉडल पर कैरी करते हैं। कुछ एसेट्स की नेचर होती है, फॉर एग्जाम्पल कौन से एसेट्स हो सकते हैं, जिस तरह आपके पास फिशिंग कोटाज होते हैं, अगर फिशिंग का कोई कोटा यानी जो लाइसेंसेस वगैरह होते हैं, मिल्क कोटाज वगैरह होते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है नॉट एवरीवन कैन डू द प्रोफेशनल फिशिंग, अगर फिशिंग आपका कारोबार है तो आपको जाहिर बात है उसके अगेंस्ट एक लाइसेंस होता है गवर्नमेंट से ठीक ठाक अमाउंट का जो कि लेना पड़ता है। अब फिशिंग कोटा का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आपको फिशिंग का लाइसेंस मिल गया, अब आप फिशिंग कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड के अंदर, वो जो भी उसकी वो जो भी उसके टेन्योर है डिसाइड कर लेती है गवर्नमेंट जो रेलिवेंट अथॉरिटी होती है। लेकिन ये जो कोटास वगैरह होते हैं ये बड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इतना आसान नहीं होता इन कोटास को एक्वायर करना। तो एक बार अगर आपको कोटा मिल गया है तो हर साल बेसिकली उसकी वैल्यू बढ़ी रही होती है, बिकॉज जाहिर बात है फिशिंग कोटा का मतलब ये है कि आप फिशिंग करेंगे और फिशिंग जाहिर बात है आजकल सी फूड की वैसे इतनी डिमांड है तो अच्छे खासे पैसे बढ़ रहे होते हैं इसके। सो फिशिंग कोटा, मिल्क कोटा एटसेट्रा एटसेट्रा, लाइसेंसेज वगैरह, इस तरह इवन ये जो आपके पास कैब्स वगैरह के लाइसेंसेज होते हैं, कैब्स लाइसेंसेज कि आपकी कंपनी की गाड़ियां एज ए जो है ना वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज हो सकती है, कैब्स लाइसेंसेज वगैरह भी, ये इनकी वैल्यू हर साल बढ़ रही होती है। इस तरह के एसेट्स के लिए आप रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे। रिवैल्यूएशन मॉडल वही है जिस तरह ये 16 में पढ़ा था कि आप अपने एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे व्हेनेवर यू बिलीव कि कैरिंग वैल्यू इज मोर देन द कैरिंग वैल्यू इज डिफरेंट देन द फेयर वैल्यू। सो आप उसको रिवैल्यू कर लेंगे, रिवैल्यूड अमाउंट्स पे ले जाएंगे, एंड देन उसमें से आप लेस कर देंगे सबसीक्वेंट अमोर्टाइजेशन। वो कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम कि जब हम रीवैल्यू करते हैं तो पिछली डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन खत्म हो जाती है और जो न्यू डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन होती है वो रीवैल्यूड अमाउंट्स पे होती है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे होती है। सो रीवैल्यूड अमाउंट्स आ जाएंगी और लेस कर देंगे उसमें से सबसीक्वेंट अमोर्टाइजेशन। दिस इज नोन एज द रीवैल्यूएशन मॉडल। सो अब तक हमने जो डिस्कस किया है उसमें काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं ये 16 के साथ। पहले तो वही एसेट का क्राइटेरिया, हाँ इंटेंजिबल का हमने अपना क्राइटेरिया डिस्कस किया कि आइडेंटिफाइबल हो, नॉन मॉनिटरी हो, विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। फिर हमने डिस्कस किया इनिशियल मेजरमेंट को जस्ट लाइक आईएएस 16 कॉस्ट पर है, एंड देन वी हैव द सबसीक्वेंट मेजरमेंट, उसमें दो मॉडल हैं जस्ट लाइक आईएएस 16, बस डेप्रिसिएशन रिप्लेस हो जाएगा अमोर्टाइजेशन के साथ। सो याद रखें कि वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनकी जो लाइफ है वो डेफिनेट है यानी फाइनाइट है, आपको उनकी लाइफ मालूम है, और वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इनडेफिनेट है जिनकी लाइफ आपको मालूम नहीं है, इन दोनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट होगी। अब ऐसा कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसकी लाइफ डेफिनेट है, फॉर एग्जांपल पेटेंट है, लाइसेंस वगैरह है, ठीक है, अब कितने साल वो फॉर एग्जाम्पल पेटेंट चलेगा मालूम है आपको क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, कितने साल वो लाइसेंस चलेगा वो लाइसेंस का टेन्योर होता है। So, ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ डेफिनेट है उनको हम अमोर्टाइज करते हैं। इट मेक्स सेंस कि अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है कि कॉस्ट को यूजफुल लाइफ पे स्प्रेड कर देना। जब ऑलरेडी आपको उसकी लाइफ मालूम है तो आप उसकी कॉस्ट को उतने सालों पे स्प्रेड करने की पोजीशन में है।
सो जिन इंटेंजिबल एसेट की लाइफ डेफिनेट हो उनको हम अमोर्टाइज करते हैं. लेकिन अब प्रॉब्लम आएगी वहां पे कि वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इनडेफिनेट है, फॉर एग्जाम्पल गुडविल. अब जो आपने बिजनेस एक्वायर किया उस पर गुडविल पे की, वो रेप्यूटेशन कितना अर्सा चलेगी, वो स्किल लेबर, वो जो स्किल स्टाफ जिसकी वजह से आपने गुडविल पे की है वो कितना अर्सा आपके पास रिटेन रहेगी या कितना अर्सा तक स्किलफुल रहेगी, या वो कस्टमर बेस जिसकी वजह से आपने उनको एक्स्ट्रा अमाउंट पे किए हैं वो कस्टमर्स कब तक आपके साथ रहेंगे. तो ये गुडविल जो आपने पे की है ये कब तक चलेगी. या ब्रांड, अगर आपने कोई ब्रांड एक्वायर किया है, लेट्स अज्यूम मैं कोई ब्रांड एक्वायर कर लेता हूं वॉचेस का, रिस्ट वॉचेस का, तो वो ब्रांड की जो मैंने अमाउंट पे की है वो ब्रांड कितना अर्सा चलेगा, कब तक लोग मेरी रिस्ट वॉचेस जो है वो प्रेफर करेंगे, कब तक मेरी रिस्ट वॉचेस का ब्रांड मार्केट में चलेगा, इनडेफिनेट है. ठीक है, सो गुडविल हो गया, ब्रांड हो गया, समटाइम्स वेबसाइट की अगर आप बात कर लें, वेबसाइट तो ऑलरेडी वैसे उसकी जो डोमेन होती है वो हर साल रिन्यू हो रही होती है, लेकिन लेट्स अज्यूम आपके डोमेन के अलावा अगर बात कर लें कि आपकी एक वेबसाइट है जिसके थ्रू लोग जो है ना वो बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, इन दैट केस आप वो कितना अर्सा आपकी वेबसाइट चलेगी. यूजली वेबसाइट का आप एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप एक डेफिनेट एस्टिमेट ना कर पाए. सो वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ आपको मालूम नहीं है, इनडेफिनेट है, उनके लिए आप क्या करेंगे. याद रखें कि उनको हम अमोर्टाइज नहीं करते बिकॉज वी कैन नॉट स्प्रेड दैट थिंग एट द यूजफुल लाइफ, हमें मालूम ही नहीं है. हम उनको टेस्ट करते हैं फॉर इम्पेयरमेंट, टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट. अब इम्पेयरमेंट क्या है, हर साल हम ये रिव्यू करते हैं, आपके लेवल पे ये इस तरह समझ लें, हर साल हम रिव्यू करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इंडेफिनेट है उनकी वैल्यू में कमी आई हो. इम्पेयरमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गुडविल आपने की स्टाफ के अगेंस्ट पे की थी, वो स्टाफ ही दूसरी कंपनी में चला गया, इसका मतलब है गुडविल की वैल्यू गिर गई है आपकी. ये जो गिरना है गुडविल की वैल्यू का, ये इम्पेयरमेंट कहलाता है. आपके ब्रांड था, आपने ब्रांड एक्वायर किया था, ब्रांड को आपने हैवी अमाउंट्स पे करके एक्वायर किया था उसकी रेप्यूटेशन की वजह से, अब उसकी रेप्यूटेशन मार्केट के अंदर गिर गई है, तो उसका मतलब है कि उसकी वैल्यू भी आप कम करेंगे, इसको हम कहते हैं कि वो इम्पेयर्ड हो गया है, उसकी वैल्यू में कमी आ गई है. सो वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इनडेफिनेट है उनको हम अमोर्टाइज नहीं कर सकते, उनको हम इम्पेयरमेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं. हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि वो जिनकी लाइफ डेफिनेट है वो अमोर्टाइज होते हैं, साथ साथ इम्पेयर्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि अमोर्टाइजेशन तो एक सिस्टमैटिक वे में चार्ज होती है ना. भाई लेट्स अज्यूम मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने एक लाइसेंस एक्वायर किया, लाइसेंस उसकी 3 साल लाइफ है, साल के बाद मुझे पता चला कि अब मार्केट में लाइसेंस की वैल्यू कम हो गई, अब तो कम पैसों पे लाइसेंस एक्वायर किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है, तो इसका मतलब है कि अब उसकी वैल्यू अगर मार्केट में कम हो गई है तो मुझे उसी पे लाना पड़ेगा. अब ये जब मैं दोबारा उसी वैल्यू पे लाऊंगा जितने की अब वो मार्केट में चल रहा है, तो इसका मतलब है कि अब वो अमोर्टाइजेशन के साथ साथ इम्पेयर भी हो गया, अमोर्टाइज के साथ साथ इम्पेयर भी हो गया. सो वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ डेफिनेट है वो अमोर्टाइज होते हैं, और साथ ही इम्पेयरमेंट टेस्ट भी उनका परफॉर्म किया जा सकता है अगर आपको लगे कि उनकी वैल्यू गिर गई है. लेकिन जो इनडेफिनेट है उनको अमोर्टाइज नहीं किया जा सकता, उनका सिर्फ इम्पेयरमेंट टेस्ट ही परफॉर्म होगा. एवरी ईयर वी गोना रिव्यू देयर वैल्यू, केस की वैल्यू में कोई चेंजेस तो नहीं आई, बढ़ा नहीं सकते लेकिन कम जरूर हो सकती है, उस कम को कहते हैं हम इम्पेयरमेंट. सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है इंटेंजिबल एसेट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि इंटरनली जनरेटेड होते हैं, इंटरनली जनरेटेड, और कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जो कि परचेज्ड होते हैं. अब वो इंटेंजिबल एसेट जो कि इंटरनली जनरेटेड है, फॉर एग्जांपल आप खुद से कह रहे हैं कि जी हमारी गुडविल इतनी, लेट्स अज्यूम मेरा ये ब्रांड है मार्फत ऑनलाइन, मैं कहूं जी मेरे ब्रांड की गुडविल इतनी है, ये मेरे जो बिजनेस स्कूल है इसकी गुडविल इतनी है. अब इसको मैं एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज मैं खुद इसको वैल्यू असाइन कर रहा हूं, और जब आप खुद वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो आप एक रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते, और एक रिलायबल एस्टिमेट का मतलब ये है कि वो एसेट की डेफिनेशन मीट नहीं करता, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन का मेन कंपोनेंट है कि कॉस्ट को रिलायबली मेजर किया जा सकता हो.
सो मैं अपने बिजनेस को अगर खुद गुडविल असाइन कर रहा हूं तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड दैट थिंग एज एन इंटेंजिबल एसेट. सिमिलरली मैं कहूँ जी मार्फत ऑनलाइन जो है उसकी इतनी वर्थ है, तो ये कोई ब्रांड मैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता. यानी मैं अपनी कंपनी को जाहिर बात रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो मेरे पास एक टेंजिबल और अदर इंटेंजिबल एसेट्स होंगे उसको मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मैं अपने ब्रांड को खुद ही एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता. हाँ, अगर आपके इंटेंजिबल एसेट परचेज्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल परचेज्ड ब्रांड है, आपने कोई ब्रांड परचेज कर लिया, या परचेज्ड गुडविल है जो कि बिजनेस कॉम्बिनेशन पे अराइज हुई है, यानी अगर आपने किसी कंपनी को एक्वायर किया था और फिर उनको एक्स्ट्रा अमाउंट्स पे करके गुडविल पे की थी, उस गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करते हैं. वो ब्रांड जो कि आपने परचेज किया है उसको आप इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन इंटरनली जनरेटेड आर नॉट कैपिटलाइज्ड. याद रखें, हम इनको कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, सिर्फ परचेज इंटेंजिबल्स होते हैं वो कैपिटलाइज होते हैं. Purchased intangibles are capitalized, internally generated are not. Lekin never mix internally generated versus internally developed. Ye key points jo hai na wo aapne yaad rakhna hai. Ye aksar log jo hai na isko confuse kar dete hain. Ki there is a difference between internally generated and internally developed. इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना. इंटरनली जनरेटेड का मतलब होता है कि आप अपने ब्रांड को, आप अपनी गुडविल को खुद ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं. इंटरनली जनरेटेड कैपिटलाइज नहीं होते, इंटरनली डेवलप्ड होते हैं. फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी खुद अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बना रही है जिसको हम बी स्पोक सॉफ्टवेयर कहते हैं. सो बी स्पोक सॉफ्टवेयर वगैरह इंटेंजिबल एसेट होते हैं क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट करता है, वो आइडेंटिफाइबल भी होता है, नॉन मॉनिटरी भी होता है, उसकी कॉस्ट को भी रिलायबली मेजर किया जा सकता है. सिमिलरली अगर आप अपने लिए खुद एक वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट को भी आप कैपिटलाइज कर सकते हैं क्योंकि वो वेबसाइट उसकी कॉस्ट, उस पर जो कॉस्ट इनकर हुई है वो भी रिलायबली मेजर की जा सकती है, वेबसाइट सेल भी की जा सकती है, वेबसाइट आइडेंटिफाइबल भी है. सो इंटरनली जनरेटेड होता है कि अपने ब्रांड को, गुडविल को खुद वैल्यू असाइन करना, इन दैट केस यू कैन नॉट कैपिटलाइज. इंटरनली डिवेलप का ये मतलब होता है कि आपने खुद इंटेंजिबल एसेट आपने बनाया, डिवेलप किया, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट, इन दैट केस यू आर सपोज टू कैपिटलाइज इट. इन दैट केस आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये छोटी छोटी बातें कि वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ डेफिनेट है शुड बी अमोर्टाइज्ड, वो इंटेंजिबल एसेट जिनकी लाइफ इंडेफिनिट है आर टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट. हर साल हम रिव्यू करेंगे कि इसकी वैल्यू में कोई कमी तो नहीं आई, अगर कोई कमी आई है तो अकॉर्डिंगली हम उस कमी को रिकॉर्ड करेंगे. सो लेट्स अज्यूम कोई कमी आई है इंपेयरमेंट की फॉर्म में, तो एंट्री क्या होगी, इन दैट केस आप डेबिट करेंगे इंपेयरमेंट को, डेबिट करेंगे इंपेयरमेंट लॉस को, क्योंकि इंपेयरमेंट एक लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस में जाता है, और क्रेडिट हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि उस इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू में कमी आ गई है तो इंटेंजिबल एसेट को हम क्रेडिट कर देंगे और हम डेबिट कर देंगे इंपेयरमेंट लॉस को.